छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी दौरे से वापस देर शाम राजधानी रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत 3 दिन डोर टू डोर और हॉल में मीटिंग की। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, वहाँ की जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवान सारे लोग परेशान हैं। किताबी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल काम निश्चित रूप से करेगा। जो यहाँ की धान रेट है, वहाँ के लोग भी वही रेट चाहते हैं। छुट्टे जानवर से वहाँ के लोग परेशान हैं, तू भी चाहते हैं कि गोबर खरीदी की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ के लोग अपनाना चाहते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से मुलाकात हुई, औपचारिक भेंट थी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल विपक्ष के लोगों के यहाँ ही रेड पड़ती है, ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के यहाँ छापा नहीं पड़ा, गोवा में क्यों नहीं पड़ा। जब इलेक्शन होता है तो सेंट्रल एजेंसियां लग जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हैं और सेंट्रल एजेंसियां उनके साथ रहती हैं। सेंट्रल एजेंसियां पूरी लग जाती, जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना, वहाँ क्रिकेट में 11 नहीं 13 प्लेयर खेलते हैं, 2 एम्पायर भी खेलते हैं। तो वैसी स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसियां भी उसके साथ रहती है। हाँ, एम्पायर ही है, कई तो है उसमें, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, वो सारे लोग हैं। सर, ये धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यदि जिनको टोकन प्राप्त है और यदि समय सीमा पे वो नहीं बिकता तो उसे अध्ययन कर लेंगे, कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा के उसे बढ़ाया जा सकता है। जी देखिए, टेली आज तक के सब लोग बोलते थे कि टेली प्रिंटर से देख के भाषण देते हैं, और उसमें भी उस टेली प्रिंटर में भी कई बार तक्षशिला को बिहार का हिस्सा बता दिया जाता था, कई बार गुरु गोरखनाथ और कबीर और गुरु नानक देव की बैठ के करा देते थे। ये टेली प्रिंटर का कमाल था, लेकिन जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रेड के बारे में जब बात हो रही थी और हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, और जैसे टेली प्रिंटर बंद हुआ तो सारे ज्ञान बंद हो गए। बहुत सारे तकनीकी विषय रहते हैं, देख के हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री विद्वान ही कहलाएगा, लेकिन आप जो नहीं जानते उसको भी आप बताना चाहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, तो टेली प्रिंट मशीन ने पोल खोल दी। हम लोग भी चाहे विधानसभा में भी कई बार हम लोग पढ़ते हैं, पत्रकार वार्ता में पढ़ते हैं, विभागीय जब चर्चा होती तब भी उसको देख के अध्ययन करते हैं। सारी चीजें हम, सारे आंकड़े हम लोग नहीं जानते और हम लोग भी उसको उपयोग करते हैं। टेली प्रिंटर का तो नहीं करते, लेकिन जो लिखित जो बयान रहते हैं, आंकड़े रहते हैं, उसको देख के ही पढ़ा जाता है। लेकिन एक्टिंग जो कर रहे थे वो सब धरा का धरा रह गया, और राहुल गांधी जी पहले ही बोल चुके थे बिना टेली प्रिंटर के नहीं बोल सकते, भाषणों में भी टेली प्रिंटर लगा रहता है, इससे स्पष्ट हो गया। सर, बीजेपी के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं, सपा के लोग बीजेपी में शामिल हो, संतुलन नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ मान रहे? सबसे बड़ी बात है कि सत्ताधारी दल के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता कितना ऊब चुकी है इस बात का परिचय है कि सत्ताधारी दल के ही मंत्री और विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई हैं, सौजन्य मुलाकात।